और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दे आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहाँ पर विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हाँ, विधान परिषद के चुनाव की तैयारी तेज, आज सपा उम्मीदवार नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का नाम सपा ने पटल पर रखा, जिसके बाद आज नामांकन दाखिल होगा। दोपहर करीबन 12 बजे विधान भवन में ये नामांकन दाखिल होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, अहम जानकारी है विधान परिषद की तैयारियां और इसको लेकर सियासत, दोनों का पारा गर्म है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी नामांकन करेंगे, आज ये जानकारी मिल पा रही है आपको। बता दें दोपहर 12 बजे विधान भवन में नामांकन करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से, जहां पर विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज कर ली गई हैं, ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। आज सपा उम्मीदवार नामांकन करेंगे और अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी नामांकन आज भरेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। आपको बता दें कि 12 विधान परिषद सीटों पर चुनाव तय हैं और ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर काबिज हो सकती है। 11वीं सीट के लिए जंग दोनों ही पार्टी के बीच, क्योंकि सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सपा जंग लड़ रही है दूसरी सीट के लिए और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 11वीं सीट हथियाई जाए, यानी कि ये सारी जंग है 12वीं सीट के लिए। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सपा के लिए एक सीट सुनिश्चित, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी 10 सीट। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तौर पर कहा है कि हम समर्थन देंगे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, आज विधान परिषद जो चुनाव है उसका नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी तमाम विधायकों के साथ मंथन कर चुकी है, उसके बाद नाम फाइनल किया था अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का। समाजवादी पार्टी चूंकि आने वाला जो इलेक्शन है उसको 2022 को देखते हुए जातिगत समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर साधने की कोशिश की है। शायद इसी वजह से अहमद हसन का एक बार फिर से जो विधान परिषद का एमएलसी का जो नामांकन के लिए उनका नाम चिन्हित किया गया और उनको आज भेजने की तैयारी है। जाहिर सी बात है ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि 2022 को देखते हुए और तुरंत जो पंचायत चुनाव है उसको देखते हुए मद्देनजर कहीं ना कहीं जो उसका खोया वोट है या फिर वैसी जो एक फैक्टर है उत्तर प्रदेश में उसको ना कामयाब ना होने पावे, इसको देखते हुए लगातार कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी चाहे उसके प्रत्याशियों की बात करें या फिर बैठकों का दौर की बात करें या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार पर हमलावर होती है किसानों को लेकर, वो कोशिश करती है लगातार उसका खोया हुआ जनाधार है उसको पाने की कोशिश करेगी और जो उसका बेस वोट है जिससे वो समाजवादी पार्टी मजबूत होती है। चाहे उत्तर प्रदेश में अगर बैकवर्ड की बात करें तो 52% बैकवर्ड वोट भले ही होता है लेकिन 22% जो मुसलमान वोट है उसको साधने की कोशिश करती है। तो एक बार फिर से कोशिश किया है अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन, चूंकि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, इस वजह से आज जो पर्चा दाखिला दो लोगों से किया जाएगा। पूजा जी बिल्कुल, अनूप एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कितने बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी और कौन कौन मौजूद रहेंगे इस दौरान उनके साथ? देखिए 10:30 बजे करीब वहां पर पहुंचने की समाजवादी पार्टी कार्यालय से पहुंचने की तैयारी है। करीब 11 बजे वहां पर विधानसभा पहुंचेंगे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम वहां पर मौजूद होंगे और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में जाएंगे, क्योंकि इस समय वहां पर जो टंडन हॉल में जो व्यवस्था नामांकन की प्रक्रिया की पूरी होगी वहां पर, और साथ ही साथ जिस तरीके से कम लोगों को बुलाया गया है बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं हो पाएगी क्योंकि कोरोना के कायदे कानून अभी भी हैं देश में, चूंकि कोरोना काल चल रहा है इस वजह से कम वहां पर लोग पहुंचे और जो कोरोना के नियम कायदे का कानून का पालन करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे दौर में जब सपा के ही तमाम लोगों की तरफ से निशाना साधा जा रहा हो अनूप, तो ये लाजमी हो जाता है कि वो खुद प्रोटोकॉल का पालन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए।